Good morning, children. Today we will see the same chapter, lesson 2, Tom Sawyer will have the explanations into Hindi from the next paragraph. The next day was Sunday. आने वाला दिन रविवार का दिन था. द स्कूल वॉज शट. विद्यालय बंद थे. ऑल द बॉयज इन द विलेजेस वेयर फ्री. गांव के सभी बच्चे स्वतंत्र थे. इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे. यह एक सुंदर दिन था. द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग. सूरज चमक रहा था तो वहीं पर चिड़िया चहचहा रही थी. द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली. पेड़ और फूल पौधे बहुत ही ताज़ा ताज़ा और सुंदर दिख रहे थे. टॉम ऑफकोर्स वॉन्टेड टू गो फॉर स्विमिंग. निसंदेह टॉम जो था तैराकी के लिए जाना चाहता था. ऑल दी अदर बॉयज़ वेयर गोइंग. क्योंकि बाकी सभी बच्चे तैराकी के लिए ही जा रहे थे. टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस इन वन हैंड. He held a long brush. In the other hand, he carried a bucket which was full of whitewash. बड़े दुखित मन से टॉम घर से बाहर निकला. उसके एक हाथ में लंबा सा ब्रश था तो वहीं पर दूसरे हाथ में चूना से भरी बाल्टी थी. हिज आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस. उसकी मौसी उसे घेरे का वाइट वॉश करने के लिए मजबूर कर रही थी. टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस. टॉम दुखित होकर के घेरे को देखता है. How high it is, how long it is, he thought. उसने सोचा कि ये कितना ऊंचा है और ये कितना लंबा भी है. Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. निश्चित रूप से दीवार की जो लंबाई थी, जो ऊंचाई थी, 9 फुट की थी और उसकी जो लंबाई थी करीब 30 यार्ड था. आई मीन 30 yards मीन्स 90 meters नियरली. टॉम पुट हीज ब्रश इन टू द वाइट वॉश. टॉम अपना ब्रश वाइट वॉश के बाल्टी में डाल दिया. ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. और वह धीरे धीरे फेंस पर घेरे पर हाथ चलाना शुरू किया. इट मेड ए वेरी स्मॉल वाइट मार्क. और उसने बहुत ही थोड़ा ही सफ़ेदी लगाया था. टॉम ट्राइड अगेन. टॉम फिर से प्रयास करता है. अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क. फिर उसने दूसरा वाइट मार्क लगाया. टॉम सैट डाउन एंड सीड हैविली. टॉम बैठ करके
लंबी सांस लेने लगा। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स। वो अपने पॉकेट से सारे वस्तुओं को बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स एंड टू और थ्री ब्रोकन टॉयज। वह अपने पॉकेट से कुछ शीशे की गोलियां निकालता है तो कुछ रस्सियां निकालता है और कुछ टूटे फूटे दो और तीन खिलौने निकालता है। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट। उसने सोचा कि कोई भी इन सब वस्तुओं के लिए ये वाइट वॉश नहीं करेगा, ये चूना सफ़ेदी नहीं लगाएगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान। नहीं, अब मुझे कोई दूसरी अच्छी योजना के बारे में सोचना होगा। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचता ही रहा। सुन ही हैड एन आइडिया। तब तक अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगन वर्किंग हार्ड। वह अपना ब्रश उठाया और बड़े ही मेहनत के साथ वाइट वॉश लगाना शुरू करता है। बेन रोजर्स वॉज गोइंग कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और उसी मार्ग से बेन रोजर्स चला आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम। टॉम ने इस तरह से बहाना बनाता है कि वह उसे नहीं देखता है। ही वर्क्ड हार्डर देन एवर। वह पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल। बेन अपने हाथ में लिए सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वह बहुत ही प्रसन्न था। ही केम अप टू टॉम। वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज। व्हाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, यू आर वर्किंग। अपने आँख मलते हुए पूछता है, क्यों टॉम, हाँ तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग। टॉम कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग। वह अपना सफ़ेदी लगाता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो टॉम अपने कार्य में बहुत ही रुचि रखता है। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड। बेन फिर से उसे कहता है, अरे तुम काम कर रहे हो। ओह इट इज़ यू बेन, आई डिडंट नोटिस यू। ओहो ये तुम हो, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम। यू डोंट वॉन्ट टू कम डू यू, यू लाइक वर्किंग डोंट यू। बेन उसे बतलाता है कि मैं तो अभी तैराकी करने जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम आना नहीं चाहोगे। यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम तो काम करना पसंद करते हो, है कि नहीं। दिस इज इंट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली। टॉम ने कहा, अरे ये कोई काम नहीं है, बड़े ही शांतिपूर्वक बोलता है टॉम। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह अपना वाइट वॉश का कार्य करता रहा। नॉट वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। उसके बातों को सुनकर बेन ने बड़े ही तेज आवाज में बोलता है, कहता है, अरे ये काम नहीं है।
Oh no, I like it. Whitewashing is a fun. Tom कहता है, You have never whitewashed a fence, have you? Well, no, I haven't. Oh no, I like it. Whitewashing is a fun. Tom कहता है कि नहीं नहीं मैं तो यह कार्य पसंद करता हूँ क्योंकि वाइट वॉशिंग करना एक मज़ेदार बात है. यू हैव नेवर वाइट वॉश द फेंस हैव यू. तुमने तो कभी वाइट वॉश का काम किया नहीं होगा, क्या तुमने किया है? वेल नो आई हैवेंट. नहीं मैं तो कभी नहीं किया हूँ. फॉर ए टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम. अब जब टॉम अपना वाइट वॉश का काम कर रहा था तो उसके वाइट वॉश करने के ढंग को बेन खड़ा होकर के देख रहा था. टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम. लेकिन फिर भी टॉम बेन के तरफ कोई ध्यान नहीं देता है. ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवन टू हिज वर्क. वह अपना पूरा ध्यान अपने कार्य में लगाया था. एट लास्ट बेन सेड अंततोगत्वा बेन बोल पड़ा. क्या बोला? लेट मी वाइट वॉश ए लिटिल. मुझे भी थोड़ा सा वाइट वॉश का काम करने दो. ओह नो बेन आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन. नहीं नहीं बेन देखो मैं इस घेरे को सुंदर बनाना चाहता हूँ. आई हैव प्रॉमिस आंट पॉली. मैंने अपनी मौसी आंट पॉली से वचन दिया है. बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. और इसके बावजूद भी ये बड़े ही रोचक कार्य है. लेट मी डू जस्ट ए लिटिल बेग्ड बेन. तब बेन आग्रह करता है थोड़ा मुझे भी करने तो दो. नो आई एम सॉरी बेन बट आई कांट. नो आई एम सॉरी. नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बेन बट आई कांट. लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ. आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ. मेरी मौसी ने बोली कि तुम्हें यह कार्य खुद करना होगा. If you do it, you will make a mistake. You will spoil everything. It is looking so nice now. Tom Ben से कहता है यदि तुम करोगे तो तुम कुछ गलती कर दोगे ना. देखो ये कितना अच्छा लग रहा है. I shall not make a mistake. I will be careful. मैं कोई गलती नहीं करूँगा. मैं बड़े ही सावधानी बरतूँगा. You can have my apple if you let me. यदि तुम मुझे काम करने के लिए वाइट वॉश करने के लिए देते हो तो मैं तुम्हें ये अपना सेब तुमको खाने के लिए दूँगा. Slowly and unwillingly, Tom handed the brush to Ben. धीरे धीरे और बिना रुचि का टॉम ने बेन को ब्रश पकड़ा ही दिया. बेन वर्कड हार्ड. बेन बड़े ही परिश्रम के साथ वाइट वॉश का काम करना शुरू कर दिया. ही सून ग्रीव हॉट बट ही वेंट ऑन वर्किंग. थोड़े ही समय में उसे काफ़ी गर्मी होने लगी लेकिन वह अपना काम करता ही गया. Tom sat there watching and eating Ben's apple. वहीं पर टॉम आराम से बैठ गया, उसको देखता रहा और उसके दिए हुए सेब को खाता रहा. When Ben had done enough, other boys came along. तो काफ़ी वाइट वॉश करने के बाद जब कर चुका बेन कर चुका था तब तक वहाँ पर अन्य
लड़के भी उपस्थित होते हैं। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो देख करके उन्होंने टॉम पर मजाक उड़ाया। एज बेन हैड डन, एज बेन हैड डन, जैसे कि बेन ने टॉम का मजाक उड़ाया था। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन थोड़े ही पल में सबके सब वाइट वॉश करने में जुट जाते हैं। ऑफकोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। ऑफकोर्स निसंदेह दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम। निश्चित रूप से टॉम को इन बच्चों को कुछ देना पड़ता था। दे गेव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने टॉम को बढ़िया चीज़ें दिए। 12 मार्बल्स, 18 सोल्जर्स, ए की, ए डॉग्स कॉलर, द हैंडल ऑफ ए नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज। ये तमाम बच्चे टॉम को 12 गोलियां देते हैं, टीन का बना हुआ एक सोल्जर देते हैं, फिर एक चाबी देते हैं और कुत्ते को पहनाने वाला एक पट्टा देते हैं। उसके साथ साथ छुरी का एक हैंडल भी देते हैं और खाने के लिए 4 ऑरेंजेस, संतरा देते हैं। टॉम हैड एन ईजी टाइम, अब टॉम के पास बहुत ही सरल और मस्त समय आ गया। ही डिड नॉट वर्क बट सून द पेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। टॉम ने तो काम नहीं किया, लेकिन तुरंत बहुत जल्द ही उस फेंस का 3 बार वाइट वॉश हो गया। सो चिल्ड्रेन, दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड एंड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आई हैव डन। आई थिंक एक्सरसाइज ऑल्सो इज डन। ओके, सो नाउ प्लीज लर्न द मीनिंग्स एंड डू द रीडिंग्स एट होम सो दैट यू विल हैव प्रैक्टिस एंड यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। अच्छा टाइम निकाल दिया।